हेलो बच्चों, आई शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल। आज हम कक्षा 4 का व्याकरण भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो हमें देखना है कि शब्द कैसे बनता है। शब्द वर्ण से बनता है, वर्ण यानी स्वर और व्यंजन, स्वर यानी अ आ ई ओ ओ, व्यंजन यानी क ख ग घ, ये दोनों को मिलाकर शब्द बनता है। शब्द दो या दो से अधिक वर्ण के सार्थक मेल से बनता है। एक वर्ण से तो शब्द नहीं बनता, क्योंकि वह अक्षर कहलाता है, और एक अक्षर से शब्द नहीं बनता है। हमें दो अक्षर या तो दो से अधिक अक्षर लेकर शब्द बनाना होता है, उसी को हम शब्द कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शब्द दो या दो से अधिक वर्ण के सार्थक मेल से बनता है। शब्द के दो भेद माने गए हैं, एक है सार्थक और दूसरा है निर्थक। तो हम देखते हैं कि सार्थक किसे कहते हैं, सार्थक का अर्थ क्या है। सार्थक यानी जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो। उसको सार्थक कहते हैं। जैसे उदाहरण देती हूँ तो गाय, ये एक शब्द है, इसका अर्थ निकलता है गाय यानी एक पशु का नाम है। अभी ये सार्थक शब्द हो गया, ये तो हमें पता चल गया है। ऐसे ही हम दूसरे और सार्थक शब्द भी देख सकते हैं, जैसे गाड़ी, गमला, दूध, रोटी। हाँ, गाड़ी यानी वाहन चालक, गमला यानी जिसमें हम फूल रखते हैं, दूध गाय भैंस जो देती है दूध जो हम पीते हैं, रोटी चावल की गेहूं की जो हम खाते हैं, गाय उसका तो हमें पता है। ऐसे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। हमारी पुस्तक में भी ऐसे ही कुछ और सार्थक शब्द भी दिए गए हैं, जैसे जोकर, रथ, महल, कलम, जोकर। जैसे ही हम सोचते हैं तो हमें पता चल जाता है जोकर यानी हंसाने वाला, रथ यानी जो हम बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, महल हमारा घर, कलम यानी जिससे हम लिख सकते हैं। ये हैं हमारे सार्थक शब्द। यह है शब्द का पहला भेद। दूसरा भेद है हमारा निर्थक। निर्थक शब्द, निर्थक यानी बिना अर्थ वाले शब्द, निर्थक यानी बिना अर्थ वाले, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वैसे शब्द को निर्थक शब्द कहा गया है। जैसे डीगा, लामक, टीरो, ददु, यगा। अभी डीगा शब्द हम सोचेंगे कि ये कौन सा शब्द है, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। लामक, टीरो, ये सब पढ़ तो पाते हैं हम, लेकिन ऐसे शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसी को हम कहते हैं निर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। बुक में भी हमारे दिए गए हैं कि निर्थक शब्द वर्ण के मेल से बने शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता, इसी को हम निर्थक शब्द
कहते हैं। धन्यवाद।